प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सही सलामत हैं और प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की करुणा में, परमेश्वर की दया में और परमेश्वर की भलाई में आप बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के सच्चाई को सुन रहे हैं, प्रभु के बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करें उन सारी बातों में उन्नति और बढ़ोतरी करने के लिए। सो प्रियो, मैंने पिछले वीडियो में आपसे लगभग 13 सवाल किए थे और अगर वो वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप उन्हें बार बार सुने ताकि वो सवाल आपके मन में जवाब को लेकर आए। ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो जवाब को लेकर आते हैं। हर एक सवाल सवाल नहीं होता है, कुछ सवाल हमारी ज़िंदगी में जवाब बन जाता है और ऐसे ही कुछ सवालों को जो आपके ज़िंदगी में जवाब बनने पर है मैंने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड कर मैंने अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पा सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक में जाओगे आप सुन सकते हो, वहाँ पर अन्य भाषा के बारे में कुछ शिक्षाओं को हमने, टीचिंग्स को हमने दिया है और साथ ही साथ कुछ सवालों के शिक्षाओं को भी हमने दिया है, आप वहाँ पर सुन सकते हैं और अपने आप को आप जांच सकते हैं कि कौन सी बातें आपके अंदर भरी हुई है। और आज इस वीडियो में मेरा दो और सवाल, यानी और दो सवाल मैं आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि जैसे पिछला वीडियो आपको ब्लेस किया है या ब्लेस करने पर है, ये वीडियो भी आपको ब्लेस करेगा। मेरा पहला जो सवाल है दो सवालों में से वो ये है, अगर आप पिछले 13 सवाल को आपने सुना है या आपने जवाब दिया है तो उनके लिए ये 14वां सवाल है और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए पहला सवाल है, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और लाखों की तादाद में जिन्होंने आत्माओं को जीता है तो क्या वो शैतान से भरे हुए हैं या भरे हुए थे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफी वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बिताया है और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया है लाखों की तादाद को अपने पास लेकर आने के लिए, उनका उद्धार करवाने के लिए, और लाखों की जो भीड़ है उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है उनके सेवकाई में। अगर आप यह अनुमान लगाते हैं, अगर आप यह सोचते हैं कि अन्य भाषा शत्रु के या शैतान के इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से बोली जाती है, तो क्या जो आत्मा बचाए गए हैं क्या वो शत्रु ने बचाए हैं? क्योंकि यूहन्ना की किताब अध्याय 10:10 में तो लिखा गया है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने ही आता है, वो कभी किसी को जीवन प्रदान करने नहीं आता है और कभी किसी को बचाने नहीं आता है, लेकिन यीशु आए हैं जीवन देने और बहुताई का जीवन देने। सो जो लोग उनकी सेवकाई में बचाए गए हैं तो क्या वो सेवकाई शत्रु की थी? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। किसी सेवक पर उंगली उठाने से पहले आप देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनका इस्तेमाल किया है, किस प्रकार परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया है। अगर आप अपने आप को सही कहते हो और बाकी सब को गलत कहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो गई है, कुछ दुविधा हो गई है। आप इन चीज़ों को जान पाए, आप इन चीज़ों को समझ पाए, आप इन चीज़ों को देख पाए, आप इन चीज़ों को अनुभव कर पाए। जो लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने उनका बहुत अच्छे तौर पर इस्तेमाल किया, लाखों के तादाद में लाखों लोग उनकी सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, लाखों लोग
प्रभु में आए हैं, वो प्रभु के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वे परमेश्वर में आए हैं ऐसी सेवकाई के द्वारा। मेरा दूसरा सवाल या तो फिर 15वां सवाल आप लोगों के लिए यह है, ऐसे 10 सेवक के बारे में आप स्टडी करें। आप इन दिनों में आप ऐसे 10 सेवकों के बारे में स्टडी करें, पढ़ाई करें। आपके पास गूगल है, आपके पास अन्य अन्य किताबें हैं, सोर्सेस हैं, आप उन सारी सोर्सेस का इस्तेमाल करें और ऐसे 10 सेवकों के बारे में पढ़ाई करें जिन्होंने यह प्रचार किया है कि अन्य भाषा शैतान की भाषा है और जिन्होंने ये प्रचार किया है वो 10 सेवक, ये भी आपको देखना है कि क्या उनके सेवकाई में अधिक से अधिक लोग बचाए गए हैं, क्या उन्होंने सेल्वेशन की मिनिस्ट्री की है, यानी उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है, क्या वे सभाओं के द्वारा आत्माओं को जीते थे। आपको यह भी पता लगाना है और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहूंगा उन लोगों के बारे में भी आप पढ़ाई करें जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया लाखों की तादाद को बचाने के लिए। आज हम कहीं ना कहीं ऐसे अगुओं के पीछे चल रहे हैं जो अगुए खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और दूसरों की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि काफी बार हम ये जान नहीं पाते, हम ये समझ नहीं पाते, हम अनुमान लगा नहीं पाते और उसी के वजह से गलत शिक्षाओं की धारणा में चले जाते हैं, गलत शिक्षाओं के शिकार बन जाते हैं, गलत बातों के शिकार बन जाते हैं। आपको स्टडी करने वाला व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के वचनों को ठीक तौर पर पाए, जो समझ पाए कि परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहे हैं। किसी को भी आप यूं ही फॉलो मत करें और किसी को भी यूं ही आप अपनी आंखों को बंद कर उनका मार्गदर्शन पर नहीं चलें। आप उन चीज़ों को जांचें। हम इन दिनों में और भी बहुत सारे वीडियो बनाने पर हैं कि कैसे आप झूठे शिक्षकों के बारे में जान पाओगे, झूठी शिक्षाओं के बारे में जान पाओगे। प्रियो, बाइबल कहता है कि जो झूठे शिक्षक है वो भेड़िए के रूप में नहीं आएंगे, वो भेड़ के रूप में आएंगे और फिर भेड़िया बनेंगे। वो पहले बहुत अच्छे रहेंगे, वो पहले सब कुछ ठीक ठाक करते रहेंगे, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि वे पूरी तौर पर बदल गए हैं, वो पूरी तौर पर बदल गए हैं। अगर ऐसे बदलाव आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वे भेड़ थे लेकिन कहीं ना कहीं वो भेड़िया के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें और सही शिक्षा में आ जाए, क्योंकि सही शिक्षा आपके जीवन में अधीनता को लेकर आएगी, सही शिक्षा आपको प्रोत्साहित उत्साहित करेगी, सही शिक्षा आपको परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने के लिए मदद करेगी, सही शिक्षा आपके अंदर प्रेम और नम्रता को लेकर आएगी, सही शिक्षा दूसरों के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए आपको प्रेरणा देगी, सही शिक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलत शब्दों का और झगड़े का और मारपीट का ये सारा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही शिक्षा में आ जाओ। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ जो लोग झूठे शिक्षा में हैं वे लोग क्षमा नहीं करते हैं, जो लोग झूठी शिक्षा में हैं वे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो लोग झूठी शिक्षा में हैं वे क्या करेंगे मालूम है, वे सांसारिक तौर पर चीज़ों को हैंडल करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने उनके विरोध में कुछ किया तो वो सीधे सरकार को आपके पास लेकर आएंगे, इसका मतलब है कि वो आपको नोटिस भेजेंगे, वे आपको कोर्ट कचहरी में लेकर जाएंगे, वे आपको पुलिस स्टेशंस तक लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर धीरज नहीं है, उनके अंदर क्षमा करने का हृदय नहीं है, वे शारीरिक मन वाले लोग हैं और वे आपको कन्विंस भी कर देंगे कि देखो ये चीज़ वचन आधारित है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर संसारिक तौर पर अगर यीशु डील करते हैं तो कैसे होता, सोच कर देखिए,
को संसारिक तौर पर उन्होंने डील नहीं किया, उन्होंने संसारिक तौर पर व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इंसान किस प्रकार सहन करना चाहिए, इंसान किस प्रकार परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आप इन शिक्षाओं को समझने का प्रयास करें, आप इन बातों को समझने का प्रयास करें, आप इन बातों को जानने का प्रयास करें, क्योंकि शत्रु बहुत चालाक है दूसरे को फंसाने के लिए, शत्रु बहुत चालाक है दूसरों को गिराने के लिए, और आपको बहुत सावधान होना है। जो बातें परमेश्वर ने शुरू की है वो बातें इंसान जो है ख़त्म ना करे, या जो बातें परमेश्वर ने शुरू की है उस बातों को इंसान ना रुकाए। इन चीज़ों को आप समझे जाने ताकि परमेश्वर आपकी अगुवाई कर पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। हमारे आने वाले वीडियोज़ को आप देखते रहिए, कमेंट ऑप्शन आपके लिए हमने खुला रखा है, आप कमेंट करें, और जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं आप हमसे कमेंट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।